एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीजीएम विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं तुहाडे सारिआं दा विश्व ज्ञान मंत्रा दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते स्वागत करदी हां जी। जिवें कि तुसीं सारे जाणदे हो जी, आपां ईटी टिकट लई उपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कीती हुई है जी, जिस दे अंदर हुण तक जिहड़े आपां 500+ क्वेश्चन नूं डिस्कस कर चुके हां जी। 500+ क्वेश्चन आपणे जिहड़े डिस्कस हो चुके हैं जी। अज उस सीरीज दा आपणा नैक्सट पार्ट है जी। अज दे क्वेश्चन देखते हैं जी, अपने टॉप 20 क्वेश्चन की हैं। लेट अस सी व्हाट इज अवर टूडेज टॉप 20 क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन है जी तुहाडे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। हेठ लिखे विचों केड़ी विशेषता आयनी बंधना राही नहीं दर्शाई जाती। हेठ लिखे विचों केड़ी विशेषता आयनी बंधना की नहीं है। तो देखो जी, आ मैं तुहानू समझाया हुआ है, आयनी बंधना की तुहानू विशेषता भी दसिया हुई ने। तो इन्हों ने पूछा केड़ी विशेषता जी है जी आयनी बंधना द्वारा नहीं दर्शाई जाती, केड़ी विशेषता इन्हों विचों आयनी बंधन नहीं दर्शाते। ऑप्शन ए जी सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलनशीलता। ऑप्शन बी है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सोलिड स्टेट, कहते ठोस अवस्था में बिजली के सुचालक होना। ऑप्शन सी है जी हाई मेल्टिंग एंड बॉयल पॉइंट, कहते उच्च पिंगलाव ते उबाल बिंदु। ऑप्शन डी है जी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, पिंगली हुई अवस्था के अंदर बिजली के सुचालक। ठीक है जी। तो देखो जी, मैं तुम्हें कल भी मैं तुम्हें पहले दस्या हुआ जी कि जो आयनी बंधन ने जी, आयनी बंधन अंदर बाकी सारी ही विशेषतावान ने, सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी होंगी है, उन्होंने उच्च पिंगलाओ से उबाल दर्जे भी होंगे ने, तो जी अपने पिंगली हुई मोल्टन स्टेट के अंदर जी है बिजली के सुचालक होंगे ने, पर जे जी ठोस अवस्था के अंदर बिजली जी कंडक्ट नहीं करते। इलैक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इन सोलिड स्टेट उन्होंने नहीं होंगी, और ठोस अवस्था के अंदर जी है जी बिजली के सुचालक नहीं होंगे ने। ठोस अवस्था के अंदर की नहीं होंगे जी, बिजली के सुचालक नहीं होंगे। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की है जी, अपने करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सोलिड स्टेट। ठीक है जी। देखो क्यों नहीं करते, कि रीजन है जी, ठोस अवस्था में और उन्होंने अंदर बिजली नहीं होंगी, क्योंकि देखो जी जो सोलिड होंगे ने तो इन्होंने आयन की है जी फिक्सड पोजिशन के अंदर होंगे ने, एक स्थिर अवस्था के अंदर होंगे ने, फिक्सड इन्होंने एक खास अवस्था होंगी है जी। ठीक है, तो वह मूव नहीं करते, फिक्स पोजिशन के अंदर होंगे ने, नोट मूव अते ओके जी हिलते जुलते नहीं है, हिलते जुलते नहीं है। ठीक है जी, जिस कारण के उन्होंने अंदर बिजली जी है पाई नहीं जाती, ताकि जिस कारण बिजली की तारा प्रवाहित नहीं करते, बिजली के सुचालक नहीं होंगे। तो पहले प्रश्न का अपने कोट आंसर बनता है जी, अपने को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जी, साढ़े को इसका ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सोलिड स्टेट, कह रहा है कि जी उन्होंने ठोस अवस्था के अंदर बिजली की चालकता नहीं होंगी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू है जी साढ़े को, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरली। कहता इन्हों विचों केड़ी चीज़ ले ली है तो जी अपनी ऑप्टिक नर्व है, अखों की जी ऑप्टिक नर्व नर्व होंगी अख के अंदर जी की है जी बिजली संकेतों के अंदर बदलती है, जिस कारण आपको कि ऑप्टिक नर्व की करती है, ऑप्टिक नर्व जो रेटिना के प्रतिबिंब बनता है उसको इलैक्ट्रिकल साइन के अंदर चेंज करके दिमाग तक पहुँचाती है, जिस कारण आपको वस्तु दिखती है। ठीक है जी। तो कहते इन्हों के अंदरों के पार्ट है, कहड़ा चीज़ है जिसनों जो आप शरीर के अंदर ले जाइए तो अपनी ऑप्टिक नर्व जी है जी खराब हो जाएगी, तो आपको अन्ने अन्नापन जोड़ा है व्यक्ति के अंदर आ जाता है, ब्लाइंडनेस जोड़ा है हो जाता है। तो देखो जी ऑप्शन ए जी CH3COH एस। ठीक है जी, आगे है जी आई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ऑप्शन बी है जी CH3OH, आगे जी अल्कोहल नॉन रिलेटेड है। ठीक है जी। थर्ड है जी NaHCO3। ऑप्शन डी है जी CH3OH। आ दो ऑप्शन सेम आ गए जी, इन्हों चो एक आप कट कर दें। ठीक है जी, एक आप कट कर दें नहीं। तो देखो जी, मैं तुम्हें पहला भी दस्या हुआ है, तुम्हें मैं समझाया है कि इथेनोल के अंदर आप इथेनोल आप डीनेचर करते हैं ना, अल्कोहल पीने वाला जो अल्कोहल होंगे, इथेनोल एक तरह का अल्कोहल है जरा ड्रिंक किया जाता है जी, तो इसको डीनेचर करने आप पाते हैं अंदर, डीनेचर करने इस अंदर की पाया जाता है जी, इस अंदर जो पायरेडीन या मिथेनोल पाई जाती है। मिथेनोल दोनों के ने जहरले ने, दोनों की चीज ने जहरले पदार्थ ने, क्यों पाए जाते हैं आ भी तुम्हें पहले दस्या जी। तो मिथेनोल की है जी जहरला हों, बहुत जे पोइजनस हों, जिस जरा कि जी जो शरीर के अंदर चला जाए तो कि जी अन्नापन आ जाता है। तो देखो जी इन्होंने यही पूछा, अन्नापन किस चीज़ के अंदर कारण आ जाता है, तो वह आता जी मिथेनोल के कारण। किस कारण आता जी, मिथेनोल के कारण आता है। तो मिथेनोल से अपने को अपना ऑप्शन फॉर्मूला किसका जी, मिथेनोल का CH3OH किसका फॉर्मूला जी, मिथेनोल। ठीक है जी, आ किसका फॉर्मूला अपने को मिथेनोल का है जी। ठीक है, तो की होंगे जी जो आप अपने अपने लीवर के अंदर मिथेनोल चली जाती है, अपने लीवर के अंदर जी है मिथेनोल चली जाती है। ठीक है जी, तो आ की जी ऑक्सीडाइज हो जाती है, अपने लीवर के अंदर जाके जी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस कारण की है जी जे सैल है, जे सैल है वह आपका काम करना बंद कर देने, सैल की है जी स्टॉप कर देने फंक्शनिंग।
ठीक है जी, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म नु जेड़ा कोगुलेशन करदा है, प्रोटोप्लाज्म दी कोगुलेशन कर देंदा है, जिस कारण की है जी सेल आपदा काम करना बंद कर देने, जदों सेल काम करना बंद कर दिंदे ने, ठीक है जी, जिस कारण की है जी सो सेल काम करना बंद कर दिंदे ने, तां ऑप्टिक नर्व जेड़ी है जी डैमेज हो जांदी है, ऑप्टिक नर्व की है जी डैमेज हो जांदी है। तां इसदा करेक्ट आंसर बनदा है जी ऑप्शन नंबर बी, CH3OH मिथेनोल दा जेड़ा फार्मूला है जी। तां दूजे प्रश्न दा करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी साढ़े कोल दूजे क्वेश्चन दा आंसर है जी, करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी मिथेनोल। डी भी कह सकते हो क्योंकि दोनों ऑप्शन बाय मिस्टेक ते सेम लिखिया गया जी। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इसका अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जी, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग, कहिंदे जदों गाढ़े हाइड्रोक्लोरिक तेजाब नू, जदों गाढ़े हाइड्रोक्लोरिक तेजाब नू लोहे दी फिलिंग ते पाया जांदा है, लोहे दे जिहड़े कणां ते पाया जांदा है तां की हुंदा है, तां की हुंदा है जदों लोहे दे जिहड़ी है लोहे दी फिलिंग से या लोहे दे टुकड़ियां ते, लोहे दे छोटे छोटे टुकड़ियां ते गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक तेजाब पाया जांदा है तां की हुंदा है, सॉरी पतला डिल्यूट है ना, पतला हाइड्रोक्लोरिक तेजाब पाया जाता है तो की हुंदा है। ऑप्शन ए जी हाइड्रोजन गैस बनती है, आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए की कहता है जी हाइड्रोजन गैस और आयरन लो क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी कहता है जी क्लोरीन गैस बनती है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। की कहता है जी क्लोरीन गैस बनती है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी कहता कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ऑप्शन डी कहता आयरन साल्ट से पानी बनता है, आयरन साल्ट से पानी बनता है। तो आप देख लेंगे जी जो डिल्यूट हाइड्रो पतले जड़े है हाइड्रोक्लोरिक तेजाब न, पतले हाइड्रोक्लोरिक तेजाब को आयरन फिलिंग से पाते हाँ तो अपने को बनता है जी, देख लें आयरन का फार्मूला क्या जी Fe प्लस आप पाया हाइड्रोक्लोरिक तेजाब, तो अपने को बनेगा जी, अपने को बनेगा जी FeCl2, क्योंकि देखो आयरन जरा हाइड्रोजन तो ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इस क्लोराइड को आप देवल ले लेगा, प्लस की बनेगा जी H2। तो की बनेगा जी अपने को बनेगा जी आयरन ओक्लोराइड, आयरन क्लोराइड है प्लस जड़ी है जी साढ़े कोल की निकली है जी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, की निकली है जी हाइड्रोजन गैस साढ़े कोल बाहर निकली है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए कि हाइड्रोजन गैस पैदा होएगी तो आयरन क्लोराइड साढ़े कोल बनेंगे, हाइड्रोजन गैस पैदा होएगी आयरन क्लोराइड जरा जी साढ़े कोल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनती है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए साढ़े कोल जी है जी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, हुण वधदे हां जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हाँ, इसका करेक्ट आंसर कहड़ा जी अपने को ऑप्शन नंबर ए हैगी है जी। ठीक है जी, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां जी, क्वेश्चन नंबर फोर साढ़े कोल की है देखते हाँ जी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर है जी, एलीमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन, कहते हैं थले जड़े है वक् वक् पीरियोडिक टेबल के वक् वक् ग्रुपां नाल वक्रे वक्रे समूहों नाल जड़े मेल खांदे एलीमेंट दर्शाए गए है जी। कहिंदा एक एलीमेंट एक्स है जिहड़ा क्लोराइड बनाउंदा है, तो उसके क्लोराइड का फार्मूला की बनता है जी XCl2। कहिंदा इन्हां चो एक एलीमेंट एक्स है जिसका क्लोराइड XCl2 बनता है, तो कहिंदा एक्स इन्हां विचों किस नाल बिलोंग करेगा, एक्स केड़े ग्रुप नाल बिलोंग करेगा, एल्यूमीनियम वाले नाल करेगा, सोडियम वाले नाल करेगा, जिहड़ा है सिलिकोन वाले नाल करेगा, या किस नाल जिहड़ा है रिएक्ट करेगा, या मैगनीशियम नाल करेगा। तो देखो जी आपां देखो अपने कोल की बनेगा XCl2, एक्स उसे भी ग्रुप नाल बिलोंग करेगा जिस लई क्लोराइड लई दो अणु चाहिए ने, जिस दे नाल Cl2 नाल फार्मूला बनेगा। आपां सारयां दा चेक कर लैंदे जी, पहला एलूमीनियम दा कर दिया। हाँ जी एलूमीनियम दी वैलेंसी अपने कोल किन्नी हुंदी है, आपां इत्थे क्लोरीन दी लिख लैणी है, दूजे पासे आपां किस दी लिखणी है जी एलूमीनियम दी जिहड़ी है वैलेंसी लिख लैणी है जी। वैलेंसी आपां नूं उदों ही आएगी जे आपां नूं पहले भी एलीमेंट याद हैगे हन। ठीक है जी, तो अपने कोल एलूमीनियम हुंदा जी 14 ते, तो इस दी वैलेंसी बनेगी अपने कोल नहीं 14 नहीं 13 ते सॉरी 13 ते, तो इसका बनेगा जी 283, क्लोरीन दी बनती है जी 287। ठीक है जी, हुण देखो इस दी वैलेंसी किन्नी है, एलूमीनियम दी वैलेंसी किन्नी है जी 3 है, क्लोरीन दी किन्नी है जी 1 है। जो इन्हों मल्टीप्लाई करा क्रॉस मल्टू फॉर्मूला बनाना सिखाया हो कि वैलेंसी लिखो थले ते क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यह की बनेगा जी AlCl3 बनेगा। इस क्लोरीन के 3 एलीमेंट चाहिए ने एल्यूमीनियम, तो एक्स के ग्रुप नाल बिलोंग नहीं करता क्योंकि जेडे एक्स जेडे ग्रुप नाल एक्स बिलोंग करेगा उस क्लोरीन किन्ने चाहिए जी 2 चाहिए होंगे, तो आप चेक करा दो कि चाहिए, तो इस करेगा नहीं जी ऑप्शन ए अपने को बिल्कुल गलत है जी। दूजा जी सोडियम, हाँ जी जो सोडियम नाल मिलावांगे सोडियम जो अपने को 11 ते हुंदा जी 281,
ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਐਲ ਫੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੋਰੀਨ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਲੋਰੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਐਮ ਜੀ ਸੀ ਐਲ ਟੂ। ਸੇਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਐਲ ਟੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ? ਸੀ ਐਲ ਥ੍ਰੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ? ਸੀ ਐਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਐਲ ਫੋਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਸੀ ਐਲ ਟੂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਦੇ ਕਿ ਐਕਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਸੀ ਐਲ ਟੂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਧਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਪੀਐਚ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ 13। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਮਾਨ 13 ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 13 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਆ ਬੇਸ ਹੈ, ਖਾਰ ਹੈ। 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਖਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 7 ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 7 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 13 ਹੈਗਾ, 14 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ। ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਮਾਨ 13 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਬੇਸਿਕ, ਵੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 6, 5 ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਨੇ। ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, 0, 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਸੀ ਤਾਂ 13 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ। ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੀ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਕਹਿੰਦੇ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਕੰਟੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ? 52 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੋਲ ਨੂੰ ਐਵੋਗਾਡਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਲ ਇੰਟੂ ਐਵੋਗਾਡਰੋ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੋਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ। ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 4, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ? 13 ਮੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 13 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 13 × 6.022 × 10⁻²³ ਐਟਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, 13 × 6.022 × 10⁻²³ ਐਟਮ। ਇਸਦਾ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਕੋਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੈਕਟ ਹੈ, 13 × 6.022 × 10⁻²³ ਐਟਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਰਾਥਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਲਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ।
तो देखो जी सस्पेंशन की होंगे ने, सस्पेंशन होंगे ने जिन्हों के अंदर कोल के अंदर कण जोड़े है कोलक के दिखाई देते रहेंगे, नंगी अख ना आप कोलक के कण जोड़े है दिखाई देते रहेंगे ने वक्रे वक्रे कण। दूजे शब्दों कह दे विखम जाति मिश्रण, विखम जाति मिश्रण जोड़ा होंगे है वह सस्पेंशन होंगे है, विखम जाति मिश्रण विखम अंगी मिश्रण जोड़ा है जी वह की होंगे सस्पेंशन होंगे है, जिसके अंदर की है जी जो अपने कोई सोया ले है घोल ले है उसके अंदर जो घोल और कोलक के कण है ना अलग अलग दिखाई देते रहते हैं, आपको पता चलता है कि इसके अंदर अलग अलग दो चीज़ा है तो उसमें की कहें जी सस्पेंशन कहें, की कहें जी सस्पेंशन कहा जाता है। तो अपने ऑप्शन दिते हैं इन्होंने कि सस्पेंशन है, देखो जी ऑप्शन ये मिलक, मिलक सस्पेंशन नहीं है, मिलक की है जी कोलाइड है, साल्ट सोल्यूशन विनेगर ये साडे कोल जी मिक्सचर ने होमोजीनियस मिक्सचर ने, सस्पेंशन की है जी जो मिल्क ऑफ मैगनीशिया है, मिल्क ऑफ मैगनीशिया जरा जी साडे कोल एक सस्पेंशन है, इसके अंदर कण जो वक्रे वक्रे दिखते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर की है जी, करेक्ट आंसर है जी अपने ऑप्शन नंबर बी मिल्क ऑफ मैगनीशिया। मिल्क ऑफ मैगनीशिया बारे ना मैं तुम्हें कुछ दस्या है जी, मिल्क ऑफ मैगनीशिया कदों दिता जाता है, की प्रॉब्लम होंगी है तो मिल्क ऑफ मैगनीशिया यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैगनीशिया का जो यूज है जी वो कमेंट सैक्शन से जरूर दसना है कि मिल्क ऑफ मैगनीशिया की वरतों कितने होंगी है, क्यों की जाती है, कदों की जाती है। ठीक है जी, तो अपने को पूछा सी सस्पेंशन केड़ा है, तो सस्पेंशन केड़ा जी अपने को मिल्क ऑफ मैगनीशिया जोड़ा है जी वो साढ़े को सस्पेंशन हैगा है। तो सत्तवें क्वेश्चन की करैक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी मिल्क ऑफ मैगनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 साडे कोल, मैच द कॉलम 1 बाय कॉलम 2 चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो कॉलम 1 ते कॉलम 2 ना आप मिलाना है जी, अपन चेक करना है कि मास इन्हों का पुंज देखना है कि किन्ने पुंज के अंदर इसके एटम जो आपस में जुड़े होंगे ने। पहला जी वाटर, ठीक है जी वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होता है जी अपने को एच टू ओ, ठीक है जी पानी का फार्मूला होता जी एच टू ओ, ठीक है जी पानी का फार्मूला एच टू होंगे तो हाइड्रोजन का वेट किन्ना हो गया जी 2 तो ऑक्सीजन का किन्ना हो गया जी 16, तो की बनेगा जी पानी के अंदर किन्ने अंदर जुड़े होते 1:8 के अंदर जुड़े, पानी के अंदर किन्ने जुड़े होंगे जी 1:8 के 1:8 के अंदर जुड़े होंगे ने। तो ऑप्शन ए का बन गया कोड अपने को 2, ठीक है जी। दूजा अपने को अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता जी NH3, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन का वेट किन्ना हो जाए अपने को 14, तो H3 का किन्ना हो गया जी अपने को हो गया 3, तो आ की बन गया जी अमोनिया का रेशो बन गया जी अपने को 14:3। तो ऑप्शन नंबर बी का की आ गया जी ऑप्शन नंबर 1। हूँ देखो जी पहले तो दो पहले एक ही ऑप्शन बनती है, जिसके अंदर यह दोनों ऑप्शन बन रही है तो अपना करेक्ट आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर ए, पर मैं तुम्हें तो बाकी भी समझा दिनी हाँ कट के चेक करवा दिनी हाँ कि इन्हों का की रेशो बनता है। तीजा है जी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि तुम्हें तो पता भी लगना जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट किन्ना होंगे जी, कार्बन का वेट होंगे 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 2 लगे हुए ना, तो यह आ गया जी अपने को 3:8, 3:8 आ गया, तो सी का बन गया जी 4th। नेक्स्ट है जी अपने को सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है जी SO2, तो अपने को सल्फर का किन्ना होंगे जी, सल्फर होंगे अपने को 16:32, तो ऑक्सीजन 2 का भी किन्ना होंगे जी 32, तो यह आ गया जी 1:1, तो डी का बन गया जी 3rd। तो अपने ऑप्शन नंबर ए जी है जी बिल्कुल करैक्ट बनती है, करैक्ट आंसर आता है जी ऑप्शन नंबर ए, पर तुम्हें पता होना चाहिए थे इसलिए मैं तुम्हें कट के दिखाता, नहीं तो अपने को एक बनने के नाल नाल योग आंसर आ गया सी, क्योंकि पहले देख के एक ही ऑप्शन से जिस अंदर ए का 2 दिता हुआ सी, ठीक है जी। तो इसका करैक्ट आंसर बनता है जी ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने की पूछा सी कि पानी के अंदर जो 2 तत्व जुड़े हुए हैं वो किस अनुपात में जुड़े हुए हैं, उन्होंने पुंजा का अनुपात की है, तो आप पुंजा का अनुपात चेक कर लिया तो अपने क्वेश्चन सोल्व हो गया। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9, इफ द नंबर ऑफ प्रोटोन, इफ द नंबर ऑफ प्रोटोन इन 1 एलिमेंट ऑफ वाई इज 20, कहते जी वाई विच वी प्रोटोन ने, वी की ने प्रोटोन हैगे ने, तो आपको पता है वाई के अंदर जिन्ने प्रोटोन होंगे उन्ने इलेक्ट्रॉन ने, तो वी ही इलेक्ट्रॉन होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Y2+, कहते Y2+ के अंदर इलेक्ट्रॉन किन्ने होंगे, सौखे धोखे जाते काम की होंगे उल्टा होंगे, इट मीनस 2+ का मतलब क्या है कि 2 प्रोटोन ज्यादा हो, हम प्रोटोन तो कटा नहीं सकते इसलिए की करेंगे इलेक्ट्रॉन कटा देंगे, किन्ने ज्यादा चाहिए 2, तो किन्ने इलेक्ट्रॉन कटा देंगे जी 2 कटा देंगे, तो किन्ने इलेक्ट्रॉन होंगे जी अपने को 18, करेक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, Y2+ के अंदर किन्ने इलेक्ट्रॉन होंगे जी अपने को 18 होंगे, जे वाई के अंदर 20 प्रोटोन हैं तो Y2+ के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन किन्ने होंगे जी
18 ਹੋਣਗੇ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ 18 ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈਲ ਵੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਐਨੋਡ ਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲਈ ਅਪਗਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲਈ ਅਪਗਟਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਲਿਕਵਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਅਪਗਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲਈ ਅਪਗਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲਈ ਅਪਗਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਟਰਮੀਨਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਮ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕੇ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨੈਟ੍ਰੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੈਲੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੇਟਿਵ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲੀਅਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨੈਟ੍ਰੀਅਮ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ ਨੈਟ੍ਰੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਕੀ ਜੀ ਕੈਲੀਅਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਐਟਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਟਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਹੈ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਇਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 16 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 8 6 ਹੁਣ 6 ਹੈ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ 2 ਲਵੇਗਾ 2 ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 2- ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਇਨ ਕੀ ਬਣਾ ਜੇ X2- ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ X2- ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ X2- ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ X2- ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ X2-। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਨ ਇਥੇਨੋਲ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਵਿਦ ਐਲਕਾਈਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਆ ਫੇਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ KMnO4 ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਲਕਾਈਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕਾਈਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ KMnO4 ਹੈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर करता है, कैटालिस्ट के तौर पर करता है, डिहाइड्रेटिंग। तो देखो जी आ करता है अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम। पहला भी तुम्हें दस्या हो थ्योरेटिकल क्लास के अंदर भी दस्या हो आक्सीकारक कारक के तौर पर काम करता है, आक्सीकारक के तौर पर जो है काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है जी आ वर्क करता है। किस के तौर पर करता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है अपने को काम है करता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बनेगा जी? ऑप्शन नंबर बी साढ़े को बिल्कुल करेक्ट बनेगी जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ किस दे तौर पे काम करता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे तौर पे काम करता है। करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी साढ़े को बिल्कुल करेक्ट है जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साढ़े को क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की कहता कि फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6 कहते शुद्ध दुध दी, फ्रेश मिलक दी जिहड़ा अपने कोल ताजा दुध है, ताजा दुध दी जिहड़ी है पीएच जिहड़ा है मान 6 हुंदा है, ताजा दुध दा पीएच मान 6 है। तो कहिंदा जदों दुध दही दे अंदर बदल जांदा है, जदों दुध दही दे अंदर बदल जांदा है तां पीएच मान किन्ना होएगा, तां पीएच मान किन्ना होएगा? तो देखो जी जदों दुध दही दे अंदर बदलता है तां ओह की हुंदा, एसिडिक ही हुंदा है। की हुंदा जी? एसिडिक ही हुंदा, तेजाबी ही हुंदा है। तो देखो जी पहला ऑप्शन बिकम सी, नहीं जी सत नहीं होएगा, उदासीन कदे नहीं होएगा। बिकम लैस दैन 6 एक बार इन हेल्ड ते रख दिया। बिकम मोर दैन 7 सत तो वध जाएगी, नहीं जी वह खारी भी नहीं होएगा, आ भी नहीं, रिमेन अनचेंज्ड भी नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी साढ़े को सही है जी, बिकम लैस दैन 6 उसकी जी पीएच मान है वह 6 तो घट जाएगा, 6 तो घट हो जाएगा, क्योंकि दही का पीएच मान जरा जी वह होंगे साढ़े को 4.5 तो 5.5, 4.5 तो 5.5 के विचकार होंगे जी दही का पीएच मान। ठीक है जी, तो उसका पीएच मान की होगा जी साढ़े को 6 तो घट जाएगा, की होएगा जी 6 तो घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बनेगा जी? करेक्ट आंसर बनेगा जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, बिकम लैस दैन 6 की होगा जी, बिकम लैस दैन 6 छह तो कट जाएगा, बी जड़ा जी साढ़े को बिल्कुल करेक्ट बनेगा, बिकम लैस दैन 6 छह तो कट जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी साढ़ा की है, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ थर्मल डीकंपोजिशन, कहिंदा इन्हां विचों केड़ा रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन मतलब विखंडन, थर्मल मतलब कि जड़ा ताप हीट रही। ठीक है, कहिंदा इन्हां विचों केड़ा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है? तो विखंडन तो सारे ही है जी, कोई जड़ा है सूरज की रोशनी नाल हुंदा है, कोई किसी होर चीज नाल हुंदा है, इन्हां नूं पुछिया थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन केड़ा है। तो याद रखियो जी जड़ा अपने को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन केड़ा जी कि जो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड ते कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है तो आ हुंदा जी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, थर्मल डीको की हुंदा जी? जो जिंक कार्बोनेट नूं हीट करदे आ, इसनूं की करदे आ जी? हीट दिंदे आ, हीट दिंदे आ, तो आ की करदा जी? जिंक ऑक्साइड दे अंदर टूटदा है ते नाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुंदी है। ठीक है जी, ते जिहड़ा जिंक कार्बोनेट है जी वह क्या वाइट पाउडर, वाइट कलर का हुंदा है। जिंक कार्बोनेट केड़ा हुंदा जी? वाइट कलर का पाउडर हुंदा है अपने कोल। ठीक है जी, तो जो इन आप स्ट्रोंगली हीट करते हाँ तो आ येलो होना शुरू हो जाता है, तो टूट जाता है, येलो होना शुरू हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर की बनेगा जी? ऑप्शन नंबर डी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की है जी साढ़े को, डी ऑप्शन साढ़े को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हैगी है, आ की है जी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साढ़े को क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेंपरेचर, कहिंदा जिहड़ी क्लोरीन है, मैं तुहानू कल मैं तो जिहड़ी थ्योरेटिकल क्लास है उहदे नाल समझाया होया है कि क्लोरीन जिहड़ी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाल रिएक्शन करदी है। ठीक है, क्लोरीन जिहड़ी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे अंदर आपां ऐड कर सकते हां, किस तरह कर सकते हां? क्लोरीन ब्रोमीन है जिहड़ा है आयोडीन, इन्हां नूं ऐड करना तुहानू दस्सिया होया जी, जिन्होंने नहीं देखी थ्योरेटिकल क्लास वो जिहड़े है पहला थ्योरेटिकल क्लास जिहड़ी देख सकते हैं। कहिंदा क्लोरीन जिहड़ा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाल साधारण तापमान ते रिएक्शन करती है, क्लोरीन जिहड़ी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाल साधारण तापमान ते रिएक्शन करती है, तो किस दी मौजूदगी विच रिएक्शन हुंदा है? आ रिएक्शन किस दी मौजूदगी विच हुंदा है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच हुंदा है, H2SO4 की मौजूदगी, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी विच हुंदा है, सनलाइट की गैर मौजूदगी विच हुंदा है, या फिर नमी की गैर मौजूदगी विच हुंदा है? इन्हां विचों किस चीज़ के अंडर जिहड़ा आ रिएक्शन हुंदा है? तो देखो जी जिहड़ा अपने कोल हाइड्रोकार्बन ने, जिहड़े हाइड्रोकार्बन ने सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन ने, वह क्लोरीन नाल रिएक्ट करते हैं जी सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच। कदों करते हैं जी? सूरज की रोशनी जिहड़ी है उसकी मौजूदगी के अंदर करते हैं। तो करेक्ट आंसर की बनेगा जी? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। की बनेगा जी? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है जी,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जी क्लोरीन रिएक्ट करती है सैचुरेटिड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन जी है सूरज की रोशनी की मौजूदगी अंदर रिएक्ट करती है। तो इस प्रोसैस में आप की कहने मैं तुम्हें दस्या है जी इस प्रोसैस में कहने जी हैलोनाइजेशन की कहा जाता है हैलोजनेशन कहा जाता है हैलोजनेशन ठीक है क्योंकि आप हैलोजिन ग्रुप करके कहते हैं ना जो अपने को कलोरोमिथेन ब्रोमोमिथेन आइडियोमिथेन ये बन दिया ने तो उन्होंने की कहते हैं उन्होंने कहते हैं हैलो एलकेन इन्हों हैलो एलकेन कहा जाता है तो जी इन्हों की बनने की प्रोसैस उसको की कहा जाता है जी हैलोजनेशन कहा जाता है की कहा जाता है जी हैलोजनेशन कहा जाता है ठीक है जी हैलोजनेशन कहा जाता है की होंगे जी एक हाइड्रोजन एटम की जगह ले लेंगे ने एक हाइड्रोजन एटम की जगह कलोरीन ले लेगा या ब्रोमीन या फिर आयोडीन तो यह होता कदों है जो सूरज की रोशनी मौजूद होंगी है कदों होंगे जी सूरज की रोशनी की मौजूदगी अंदर जी अपने को प्रोसैस होंगी है इसलिए जो सूरज की रोशनी का होना साढ़े लिए की है जी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 17 द सबस्टांस नॉट रिस्पोंसिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर कहते इन्होंने केड़ा तत्व जोड़ा है पानी के भारीपन संबंधित नहीं है केड़ा तत्व जोड़ा है जी पानी के भारीपन संबंधित नहीं है इन्हों के पानी के भारीपन संबंधित नहीं है ऑप्शन है जी सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट या मैगनीशियम कार्बोनेट चार अंदरों के तत्व जोड़ा है जी पानी के भारीपन संबंधित नहीं है पानी के भारीपन के संबंधित नहीं है तो देखो जी पानी का भारीपन किस कारण होंगे जी पानी का भारीपन ज्यादा तो बाइकार्बोनेट ठीक है जी बाइकार्बोनेट कारण होंगे है जा फिर सल्फेट ऑफ कैल्शियम तो मैगनीशियम दे सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम जेड़ा पानी के अंदर भारीपन होंगे जेड़ा पानी के अंदर भारीपन होंगे किस कारण होंगे जी वह कार्बोनेट और सल्फेट जे कैल्शियम तो मैगनीशियम के बाइकार्बोनेट से या फिर कार्बोनेट होंगे ने या सल्फेट होंगे ने उन्हना कारण होंगे तो देखो जी कैल्शियम वाली ऑप्शन अपने को दोनों कटिया मैगनीशियम भी कटिया क्योंकि इन्होंने कारण तो पानी का भारीपन होंगे है ये तीनों ही पानी के भारीपन लिए जे जिम्मेवार है तीनों ही पानी के भारीपन लिए जिम्मेवार ने तो कि जिम्मेवार नहीं है पिछले अपने को बच गया जी सोडियम नाइट्रेट तो करेक्ट आंसर बनता है जी ऑप्शन नंबर ए सोडियम नाइट्रेट जरा जी पानी के भारीपन संबंधित नहीं है करेक्ट आंसर बनता है जी ऑप्शन नंबर ए सोडियम नाइट्रेट जरा जी साढ़े को पानी के भारीपन संबंधित नहीं है पानी के भारीपन कौन नहीं संबंधित जी सोडियम नाइट्रेट। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी साडा क्वेश्चन नंबर 18 की है इन द कंटेक्सट ऑफ रिडोक्स रिएक्शन कहते रिडोक्स रिएक्शन रिडोक्स क्रियावां कहड़ियां होंदियां ने जिन्हां दे आक्सीकरण ते लघुकरण दोनों ही हुए जिस क्रिया के अंदर ऑक्सीकरण आक्सीकरण ते लघुकरण ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होण उसनूं की कहिंदे आपां रिडोक्स रिएक्शन कहिंदे आ ते कहिंदे जिहड़ी रिडोक्स रिएक्शन है उस दे अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल हाइड्रोजन का कटना हाइड्रोजन का खात्मा खात्मा दी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन इज तो देखो जी कहिंदा हाइड्रोजन का खात्मा उसनूं की कहा जाता है ऑक्सीडेशन कहा जाता है आक्सीकरण डीहाइड्रेशन कहा जाता है रिडक्शन कहा जाता है या डीहाइड्रोजनेशन कहा जाता है की कहा जाता है उसनूं आपां की कहिंदे आ तो देखो जी तुहानूं पता ही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिहड़ी है साडे कोल आपां नूं पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ते रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन्हां नूं आपां की कहिंदे आ जी ऑक्सीडेशन कहिंदे आ की कहिंदे आ जी ऑक्सीडेशन कहा जाता है की कहा जाता है जी ऑक्सीडेशन कहा जाता है तो करेक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए साढ़े को बिल्कुल करेक्ट बनेगी जी आक्सीकरण उसनों आप कहें हाँ कि कहें जी आक्सीकरण ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन आक्सीकरण उसनों कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को क्वेश्चन नंबर 19 द कॉमन मैथड फॉर एक्सक्रेशन ऑफ मैटल फ्रॉम द ऑक्साइड और कहते तातां दे ऑक्साइड तो तातां नूं शुद्ध वक्त करने लिए कि विधि वरती जाए तातां दे ऑक्साइड तो पुछया ना कि सल्फाइड तो पुछया ना ही तुहाडे कोल कार्बोनेट तो पुछया जी इन्हां पुछया तातां दे जिहड़े ऑक्साइड है उस तो जो तातां नूं वक्क करन दी मुख विधि कीड़ी है तो मैं तुहानूं दस्या है जी तातां दे ऑक्साइड तो तातां नूं जिहड़ी आपां मुख रूप नाल कार्बन नाल क्रिया करा के वक्क करदे आं उवें एल्यूमीनियम वी यूज करदे आं पर मेन जिहड़ा जी आपां किस नाल करदे आं कार्बन नाल करदे आं मुख रूप ते किस नाल करदे आं कार्बन नाल ते इन्हां ने कॉमन मैथड ही पुछया मेन जिहड़ा मैथड पुछया है तो वह की होएगा जी रिडक्शन विद कार्बन कार्बन के नाल जो आप रिएक्ट कराते हाँ तातां दे ऑक्साइड नूं तां वह की है जी वह अपने को मेन मैथड है ओके है जी अपने को मेन मैथड है रिडक्शन विद कार्बन कार्बन नाल क्रिया करा के तातां नूं तातवी ऑक्साइडां तों वक्क कीता जांदा है मैटल नूं मैटल ऑक्साइड तो आप अलग करन लई मैटल नूं मैटल ऑक्साइड तो अलग करन लई किस दी वरतों कीती जांदी है कॉमन जिहड़ी है वह हुंदी सी कार्बन की है जी कार्बन की वरतों की जाती है तो 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बनता है जी साडे कोल ऑप्शन नंबर ए रिडक्शन विद कार्बन। हाँ जी इसका लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20
विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्वस सॉल्यूशन, कहिंदे इन्हां विचों केड़ा एक्वस सॉल्यूशन है, केड़ा जली कोर है। तो देखो जी एक्वस सॉल्यूशन केड़ा हुंदा, जिहड़े किसी भी चीज़ का पानी के अंदर कोर हुंदा उसनूं कहिंदे एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ के पानी के अंदर घोल कहा जाता है जी जली घोल, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है जी सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, बिल्कुल नहीं जी, पानी के अंदर घोल नहीं है सल्फर का, कार्बन डाइसल्फाइड तो आ नहीं होगा। ऑप्शन बी जी सोडियम क्लोराइड इन वाटर, हाँ जी पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड का घोल जो है एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, पर आप बाकी भी देख लें। आयोडीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नहीं जी, आपको जली घोल जल चाहिए है। आयोडीन एंड अल्कोहल, नहीं जी, आ भी अपने को एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी, जली कोल दी अपने को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जी। सोडियम क्लोराइड का जो पानी के अंदर कोल है वो क्या जी, एक एक्वस सॉल्यूशन है। नमक के पानी का कोल क्या जी, एक एक्वस सॉल्यूशन है साडे कोल, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी। आसन दी अज्ज दे टॉप 20 क्वेश्चन, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन तुम्हें जो पसंद आए होंगे। तो वीडियो को जरा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।